आज मैं तोरी की भाजी की रेसिपी बता रही हूँ। मैंने सबसे पहले सारी तोरियों को अच्छी तरह से छील के पानी में अच्छी तरह से वाश कर लिए हैं। अब हम सारी सब्जियों को बारी बारी से अच्छी तरह से काट लेंगे। फ्रेंड्स, गर्मियों में तोरी, लौकी ये सब्जियाँ ज़्यादा खाना चाहिए। ये सेहत के लिए अच्छा होता है, शरीर को ठंडा रखता है, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है, इसलिए ऐसी सब्जियाँ गर्मियों में खाना चाहिए। अब हम सारे सब्जियों को अच्छी तरह से बारी बारी से काट लिए सारे सब्जियों को। तोरी, प्याज और हरी मिर्च, इस प्रकार हमने सारी सब्जियों को काट लिए। अब हम गैस जला के इसमें कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब कढ़ाई जब मेरी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तब इसमें हम थोड़ी सी ऑयल डाल लेंगे। अब ऑयल थोड़ी सी मेरी गर्म हो गई तो इसमें हम काला जीरा डाल दिए। अब ये थोड़ी सी काला जीरा एक मिनट हो जाए पक गई, उसमें हमने प्याज डाल दी और हरी मिर्च भी डाल दी, दोनों चीज़ों को हमने डाल दी। अब इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे, चला के भुनेंगे जब तक इसके प्याज की कलर थोड़ा सा अलग ना हो जाए थोड़ा सा। फिर इसमें हम जो तोरी काट के रखे हैं उसको सारे तोरी को इसमें डाल दिए। अब इसको हम सब्जी को अच्छी इसमें थोड़ी सी स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। अब हम सब्जी को अच्छी तरह से मिला देंगे, सारे सब्जी नमक हल्दी प्याज सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के इसको हम ढक देंगे और आँच को हम कर देंगे धीमे। अब तो हम ढक्कन उठा के देखे सब्जी मेरी थोड़ी सी पक गई है। अब इसको हम चला के फिर इसको हम दोबारा ढक देंगे आँच को धीमे करके। फ्रेंड्स, ये सब्जी को ऐसे सिम में पकाने से और थोड़ी देर बाद हम ढक्कन उठा के देखे तो इसमें थोड़ी सी पानी छोड़ रही थी सब्जी में, तोरी में, लौकी में इसमें पानी होता है इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी निकलता है ढक के पकाने से। उसके बाद अब हम ढक्कन उठा के इसको अच्छी तरह से भून लिए। मेरी सब्जी पक गई भाजी, तोरी की भाजी। ये मेरी रेसिपी यदि आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। ये सब्जी बनाना बहुत इजी है फ्रेंड्स और बहुत जल्दी 10 मिनट में तैयार हो जाता है ढक ढक के पकाने से बारी बारी से। इसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये भाजी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। आप भी एक बार इस प्रकार बना के पका के देखिएगा। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।